बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सरा सुल्तान, पी एच डी स्कॉलर फ्रॉम भारतीय डिग्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये आप लोगों का सब्जेक्ट है रेल एनालिसिस 2, और आज मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजन टेस्ट बताऊंगी, उनकी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, और रेल एनालिसिस 2 का जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका प्रूफ मैंने पेपर में भी पूछा गया आप लोगों से, और कोशिक क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सीरीज, इसका भी आप लोगों को स्टेटमेंट भी करवाऊँगी और प्रूफ भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं चलती हूँ अपने इसी चीज़ की तरफ। अच्छा चलें, ठीक है। ये है हमारा इनफाइनाइट सीरीज़, हमने स्टार्ट की थी, इसके पार्शियल सम्स हम लोगों ने देख लिए थे लास्ट लेक्चर में, और ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट लेक्चर में। इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेते, क्योंकि आज यही एग्जांपल हमारी यूज़ हो रही है। ये फंक्शन है, हम इसको, ये सीरीज़ हमारी ये बन रही है, इसको हम अगर हम इसके फर्स्ट एन टर्म्स लेंगे तो वो हमें प्रसिद्ध बनेगा, और इसकी इसको अगर हम एन की जगह जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ वन पुट करें तो हमारे पास ये टर्म बनेगी। खुद देख लें, हमारे पास ये अगर 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन टर्म्स ये हैं, ये एन है, तो ये 1 बीच में ऐड होगा तो एन प्लस 1 टर्म्स हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। अगर एक्स हमारा 1 है तो ये आंसर आएगा, अगर एक्स हमारा 1 नहीं है तो इस सीरीज़ का आंसर हमारे पास ये आएगा। और इसके बारे में हम लोगों को पता है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है, इसे अगर आपका एक्स जो है लेस देन 1 हो या -1 और 1 के दरमियान होगा तो हमारा ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा इस फंक्शन को, ये एफ एन हमारा एफ को कन्वर्ज करेगा। अगर आपका ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। अच्छा, और मतलब अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये जो सीरीज़ है इन सारों का सम टोटल किसके बराबर है, इसके बराबर है। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, एफ एक्स और एफ एन को माइनस कर रहा है, इनको माइनस करने के बाद ये आंसर आ रहा है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आप अंदर पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप 1 पुट करें, ये 1 और ये 1 माइनस होगा तो समथिंग ओवर 1 इज इक्वल 0 इज इक्वल होता है इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। हालांकि ये आंसर आपका नहीं आना चाहिए, इसका मतलब उसने फिर ये निकाला था, ये मैं लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सारा का सारा। इसका मतलब हम लोगों ने ये निकाला था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी इस इंटरवल में, और नीदर ये इसके ही किसी और इंटरवल में कन्वर्ज करेगी। फिर ये किसको करेगी, अगर आप कोई एक बाउंड कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं इसी इंटरवल का कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं तब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और किसको कन्वर्ज करेगी ये भी उसने बता दिया कि ये आर ओवर एन प्लस वन आर पावर रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर को कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ कैसे बता रहे हैं कि इसको कन्वर्ज करेगी, आपको पता है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अच्छा, अब ये ऊपर वाली टर्म तो हमारे पास 0 हो रही है, और ये आर रेज टू पावर एन हमारा अगर 1 हो जाए तब भी ये 0 हो जाएगा, तो 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0 आंसर होता है। तो यस, ये कन्वर्ज कर रहा है, किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है, सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन अ क्लोज सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल के क्लोज सबसेट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। ये कुछ रिमार्क है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लेते हैं, इसको फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या कह रहा है। इसको ज़रा देखें, एज फॉर सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स, अगर आपके पास सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं फिर वो कहता है कन्वर्जेंस हो रही है, चाहे वो पॉइंट वाइज हो या वो यूनिफॉर्मली हो। अ सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट चेंज्ड बाय द अल्टरनेटिंग और ओमिटिंग फाइनाइट मेनी टर्म्स। अब वो ये बता रहा है कि अगर आपको स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स गायब कर दें या उनको अल्टरिंग मतलब या उनको चेंज कर दें फॉर कुछ फाइनाइटली टर्म्स, मतलब अगर हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn जो है कन्वर्ज कर रहा है किसी एक फंक्शन की तरफ, तो अगर आप स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स जो है गायब कर दें, मतलब मैं फर्स्ट एन टर्म्स गायब कर देती हूँ तो फिर मेरे, चलो फर्स्ट 2 टर्म्स अगर मैं गायब कर दूँ तब भी वो कन्वर्जेंट सीरीज ही रहेगी। अ फाइनाइट ऑफ कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स गायब करने से या उनको चेंज करने से वो जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, चाहे वो पॉइंट वाइज हो चाहे वो यूनिफॉर्मली हो, वो हर हाल में कन्वर्ज करेगा। अच्छा, जस्टिफाई अडोप्टिंग द कन्वीनियंट एंड डैट वी यूज्ड फॉर सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट, ये बता रहे हैं कि ये हमारा जो हम लोग ये सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वेदर अ सीरीज ऑफ फंक्शन, मतलब ये जो ऊपर उसने ये जो क्राइटेरिया बताया ये सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट के लिए होल्ड करता है, सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में क्या है वो अब नीचे बता रहा है। व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन द सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंस एंड नॉट इन इट
इट्स सम, वो कहता है हम इसके सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन में इंटरेस्टेड हैं, ना कि इसके उसके सम में। वी विल ओमिट द लिमिट ऑन द समीशन साइन। अच्छा मतलब ये बता रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी हम लोग इसके जो समीशन साइन के हम नीचे लगाते थे एन अप्रोचेस एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो वो कहता है हम इसके ऊपर नीचे की सबस्क्रिप्ट हटा देंगे फॉर सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी के लिए उसने ये काम किया। अच्छा टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो हमने टेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। थ्योरम ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एज फॉलोस, जो और है और ये मैंने आपको पेपर में भी दिया हुआ है, स्टेट एंड प्रूफ भी दिया हुआ है। एक यही कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंसेस एंड कॉची स्टेट एंड प्रूफ कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज। तो अब ये है, ये है आसान, मुश्किल नहीं है। सेम आप लोगों को याद होगा हमने यही कॉची क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए पढ़ा हुआ था। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जगह सीरीज ऑफ फंक्शन आ गया, सो वट अब हो क्या रहा है वो देखते हैं। अ सीरीज यस ये सीरीज ऑफ फंक्शन है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन अ सेट एस, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ। ये आप इसका मतलब कन्वर्स भी चलेंगे, एक साइड को हम सच मानेंगे तो दूसरी साइड प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी साइड को सच मानेंगे तो पहली साइड हम लोग प्रूफ करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा अब ये क्राइटेरिया आपको बता दें, इसे ज़रा गौर से देखें। fn plus n plus 1 एंड सो ऑन fm तक जा रहा है। नॉर्म ओवर अ सेट s इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इसका प्रूफ है हमारे पास। ये वही जस्टिफिकेशन था जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये इसका स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट मैं आपको पीछे पढ़ा सकती। अब इसमें करना क्या है, अप्लाई कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया टू द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का पार्शियल सम्स पे हम अप्लाई करते हैं। आप लोगों को याद होगा पार्शियल सम्स हम कैसे लिखते हैं, सपोज डैट मैं पार्शियल एम को कैपिटल एफ से डिनोट कर रही हूँ, एफ एम, वेयर एम के बारे में बताया जा रहा है कि एम बड़ा है और एन छोटा है। अच्छा अब अगर मैं लिखती हूँ तो ये फर्स्ट एम टर्म्स का सम होगा f1 plus f2, ये इन्हीं का हम पार्शियल सम्स निकाल रहे हैं ना, f1 plus f2 एंड सो ऑन। एफ एन माइनस वन है और ये एफ एन है, ये एफ एन प्लस वन है एंड सो ऑन सो ऑन, लास्ट एन टर्म जो है वो हमारे पास एफ एम है। अच्छा अब मैं बनाती हूँ एफ एन माइनस वन बनाती हूँ, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, हम एफ एम माइनस एफ एन माइनस वन करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ये सारी एन माइनस वन तक कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएंगी, ये आ गई हैं एज इट इज़। अच्छा अब हम ले लेते हैं नॉर्म, ले लेते हैं बोथ साइड पे, ओवर सेट एस इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया। अब ज़रा गौर से तो देखो, आप लोगों ने ऊपर बोला हुआ था कि जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगर और अब आप लोगों को मैं रिकॉल करवाती हूँ जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में था, सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब उनका पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर जाता है। अब आप लोगों ने देख लिया ये हमारे पास ये पार्शियल सम है और ये कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ये जो ये एक्सप्रेशन है लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन है तो दरमियान में तो इक्वालिटी है, ये वाला एक्सप्रेशन भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ज़रा गौर से देखो कि हमने यही चीज़ प्रूफ नहीं करनी थी, हमारे पास ये वाली चीज़ ये जो भी एक्सप्रेशन आपको बन रहा है ये लेस देन है एप्सिलॉन के और ये एम एन के बारे में वही एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन हम पीछे कॉची क्राइटेरिया में लगाते थे। तो हमने ये वाली साइड तो हमने प्रूफ कर दी। अब आप कन्वर्स चलें, कन्वर्स में सेम इसी पार्ट पे आप चलेंगे, आप कह देंगे कि ये हमारे पास ये है और एफ एन कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, सो कॉची क्राइटेरिया हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली आप इसका कन्वर्स चलेंगे, कन्वर्स में जहाँ एम नज़र एन, हाँ ठीक है यही कन्वर्स चलेंगे, तो आप लोग इसके दूसरी साइड भी ईजिली शो कर लेंगे। मतलब अब आप लोग इसी कंडीशन को उठाएंगे कि ये जो कंडीशन है आपकी लेस देन एप्सिलॉन है, इस कंडीशन के बारे में बता दिया कि ये तो इसके बराबर है। और अगर आप लोगों को आप लोग अगर इस ही जो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, आप कहेंगे अगर ये वाली टर्म तो गिवन है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, अगर ये टर्म गिवन है लेस देन एप्सिलॉन है तो ये टर्म तो इज़ इक्वल है इस टर्म के,
इस टर्म के इक्वल है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। और जब आपका, और ये असल में क्या है, ये आपके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं। आपके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई कर गए तो हम फिर कह देंगे कि येस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज करें तो जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो आपकी कन्वर्ज कर रही है। और बस हमारा ये आपने लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया कि ये हमारे पास ये कन्वर्ज कर रहा है सीरीज़, इसकी ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। अब ये छोटा सा एक छोटा सा ये प्रूफ है, ये मैं आप लोगों को करवा दूँ। वो कहता है अननेसेसरी कंडीशन फॉर द सीक्वेंसली सीरीज ऑफ फंक्शंस इज डैट दी सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू ज़ीरो। अब वो बता रहा है कि जो ये हमारे पास इस सीरीज़ को अगर हम कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, उसकी एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये जो ये ओरिजिनल फंक्शन, ये जो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, ये फंक्शंस कन्वर्ज करने चाहिए किसको, ज़ीरो को। अब यहाँ वो क्या कर रहा है, इसका ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले रहा है, जे तक खोल रहा है, फर्स्ट जे टर्म्स का सम आ जाएगा और जे प्लस वन तक खुलेगा तो हमारे पास अगली टर्म भी आ जाएगी, जे प्लस वन टर्म भी आ जाएंगी। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास अकेला सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है। अच्छा, अब आप कहें जे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी कहें जे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर गिवन आपके पास ये था, ऊपर आपके पास ये गिवन था कि आपका ऊपर हमारे पास क्या गिवन था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करता है, ये वाली चीज़ तो हमारी कन्वर्ज करेगी, तो आप ये लिमिट इस एफ एन पर आएगा, आंसर ज़ीरो आएगा, इस पर आएगी तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगी। ये दोनों अगर ज़ीरो हैं तो ये वाली टर्म भी हमारी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गई। और यही चीज़ हमने शो करना था कि एफ जे जो है वो कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को। अब जे की जगह अगर आप जे प्लस वन की जगह जे लगा दें, मतलब ये जहाँ जहाँ इधर जे माइनस वन कर दें, इसे इधर जे कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यही सिचुएशन आपकी आ जाएगी। यही एग्जैक्टली एफ जे ऑफ एक्स जो है कन्वर्जेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। और ये वही रिमार्क है जो मैं आपको पहले करवा चुकी थी, और ये वाला थ्योरम भी हमारा हो गया। अच्छा, एक और ये हमें ये कहता है, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, ऊपर था जो ये जो रिमार्क मैंने दिया था, बस वो कह रहा था कन्वर्ज करेगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। यहाँ वो कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उनकी नॉर्म एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आपको ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपको मैंने ऊपर वाली क्रॉलरी करवा रही थी। अच्छा, अब चलते हैं इधर किधर, अबव कंडीशन इज नेसेसरी नॉट। अच्छा, अब ये इसकी एक एग्जांपल है, ये इस एग्जांपल को आप लोग खुद करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये सेम वही एग्जांपल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसके बारे में बताया हुआ कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल के, जो भी अभी मैंने पीछे रिकॉल करवाया आपको, अगर इसका किसी भी क्लोज इंटरवल पर ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। अब वो कोशी क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा है, हमें पता है ये एफ एन सीक्वेंस को हम इस तरह खोल सकते हैं, और ये इस अगर एन अगर हमारा एक्स वन नहीं है तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब वही कर रहा है एफ एम माइनस एफ एन कर रहा है, जहाँ एफ एन ये है और एफ एम क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एम आ जाएगा। एफ एम माइनस एफ एन करेंगे तो हमारे पास ये, आप इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इधर एक और बात बता रहे हैं, वो कहता है x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल से। इसका मतलब है गारंटी है कि x आपका ये जो आपका r है इससे तो छोटा है। ओके, अब इसकी पावर n प्लस वन रखेंगे तो इसकी पावर भी n प्लस वन हो जाएगी। चलो एक और काम करते हैं, वन इधर भी माइनस करते हैं, वन इधर भी माइनस करते हैं। अब आप एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, इसका रेसिप्रोकल लूँगी, वन ओवर x करूँगी तो हमारे पास क्या होगा। हाँ, ये देखें, रुके, आप वन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इनक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी, ये होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस आर हो जाएगा। फिर आप वन प्लस किया, इधर वन प्लस किया, और फिर जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, ये वाला दोबारा अपने इनक्वालिटी अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर देगा और हमें पर ये आंसर आएगा। ये ज़रा करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में बता रहा है कि ये जो ये इनइक्वालिटी है, ये वन ओवर एक्स तो वन ओवर आर से छोटा है, ये देखो इनको सारों को इनइक्वालिटी अलग अलग दे दो। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ये एक्स एन प्लस वन जो है वो आर से छोटा है, ये इसे हम सिंगल कर देते हैं, एक ही टर्म बना देते हैं आर ये। हाँ ठीक है, ये इधर वो ये बस इतना कह रहा है, वो ये कह रहा है एन आपका बड़ा है और एम आपका छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है,
और ठीक है, ये बिल्कुल जैसे आपने ऊपर ये सब ट्रैक किए थे, वो जो अभी हमने पीछे सब ट्रैक करके आपको दिखाया था, हमारे पास हमने वो जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ खोली थी, एम जो है तो कुछ टर्म्स ज़्यादा आ जाएंगी, जब आप इन दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी कुछ टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी, वो जो कुछ टर्म्स बचेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, आप उन सारों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वो, इसको भी ऐड करें इसको भी ऐड करें तो हमारे पास ये 2x+n+1 बन जाएगा, इधर ये एब्सोल्यूट मोड बंद हो रहा है, और इन दोनों को भी मोड अलग ले लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आपको पता है ये तो हमारे पास r 2r+m+1 के बराबर है, और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये 1 ओवर x 1 - x जो है वो इससे लेस देन है, 1 ओवर 1 - r से लेस देन है। और तो आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, इनके आप सुप्रीम वो क्या था, सुप्रीमम था ना, सुप्रीमम आप इसका लेंगे तो हमारे पास ये नॉर्म ओवर द सेट दिस, ये हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी कि ये बाउंडेड है, और इसके बारे में बता रहा है कि ये तो हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो है, अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें तो ये वाली टर्म हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी, और ये काम हो गया। अब इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन किया यहाँ से, हाँ यहाँ से आप अकेला करने की कोशिश करें, आपका जो एन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमने बता दिया है, एप्सिलॉन पे नहीं डिपेंड कर रहा, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, आप ज़रा इसे सिंप्लीफाई करें, आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग इधर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आप इधर लॉग लें एन को नीचे उतारें, और ये हाँ ये जो कैपिटल है ना दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक एप्सिलॉन पर भी एक आर पर भी, तो आपने कह देना है कि ये जो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तो कर रहा है इस पर, ठीक है। अब अगला टेस्ट आपको बताती हूँ, कौन सा टेस्ट है, ये कंपैरिजन टेस्ट है, ये सबसे पहला टेस्ट है जिसे हम वॉइस टेस्ट एम टेस्ट, जिसे हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ये है आसान, आपके पास सीरीज़ है, आपने चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कहता है इस सीरीज़ को की एब्सोल्यूट वैल्यू लो और वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए दिस सीरीज़ से, ये भी हमारे पास एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ के बारे में कन्फर्म है कि ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ होगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, मतलब आप इसका सम जो है निकाल सकते हैं, कोई एक रियल नंबर आएगा, और मज़े की बात ये सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, आपने इसे सीरीज़ ऑफ फंक्शन नहीं समझना। अब इसका भी प्रूफ आ गया, हमारे पास काशी क्राइटेरिया यहाँ हमने अप्लाई किया, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन, अब हमारे पास इस सीरीज़ को वो खोल रहा है, ये सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट है, काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट, वो आप लोगों ने रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा था, वो हमारे पास ये आंसर आता है, ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये कन्वर्जेंस है तो इन सारों का सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ये कंडीशन एज इट इज़। अच्छा फिर अब ज़रा एक और चीज़ गौर से देखो, आपको पता है अगर हमारे पास एफ एन में लेती हूँ, एफ एन तो हमारे पास इससे छोटा है, गिवन है हमारे पास, अच्छा और एफ एन प्लस वन एफ एम एम प्लस वन से छोटा है एंड सो ऑन। अच्छा अब ज़रा गौर से देखें, एफ एम की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ये देखो मैंने लिख दिया, एफ एन एम प्लस वन की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, अच्छा इसी तरह एफ एम की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, और ये एप्सिलॉन एज इट इज़ आया और ये दोनों हमारे पास एज इट इज़ आए। अच्छा अब इधर आप लोगों ने पीछे आप लोगों को मैंने प्रूफ करवाया था, और ये प्रूफ मैंने पेपर में भी दिया, दोनों पार्ट दिए, दो पेपर बनाए, एक सम वाला भी दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी दिया आप लोगों को। अच्छा अब आपको बताया था कि ये जो ओरिजिनल वाला होता है ये लेस देन होता है अपने, ये इनको अगर हम सम सेपरेट सेपरेट करते हैं तो ये ग्रेटर देन होती है और ये लेस देन होती है, इसी तरह सेम एन टर्म्स के बारे में भी यही इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब आपको गिवन है कि ये सारे एप्सिलॉन से लेस हैं, ये सारे एप्सिलॉन से लेस हैं, इसका मतलब है ये वाली टर्म भी तो एप्सिलॉन से लेस होगी, और अब ये कॉशी क्राइटेरिया जो आपने ऊपर ही पढ़ा है, हमें वो क्या कहता है, कॉशी क्राइटेरिया कहता है ये सारे अगर हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो गए तो, अब ये कॉशी क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, और ये वही कॉशी क्राइटेरिया जो भी मैंने आपको स्टेट भी करवाया है, प्रूफ भी करवाया है। अब इसकी एग्जांपल जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं ताकि हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। अब ये देखें ये सीरीज़ है, आप लोगों से वो पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो आप लोगों ने आप ये एग्जांपल है इसकी यूनिफॉर्मली, ये सीरीज़ गिवन है, ये भी सीरीज़ गिवन है, आपने अपना ये वाइस स्ट्रेस एम टेस्ट आप लोगों ने यूज़ करना है, वो ये कहता है कि जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो लेस इक्वल होनी चाहिए एक एक कन्वर्जेंट सीरीज से, और हाँ ये बातें हैं, और फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो आपके पास ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, आपको पता है कि अगर मैं मेरा ये एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए तो ये मेरी सीरीज़ है, ये बन जाएगी, और यही हमारे पास एफ एम
कैपिटल एम एन हमारे पास आ गया। इसके बारे में है कि ये पी सीरीज़ होता है, और पी सीरीज़ कन्वर्ज कब करता है, अगर हमारा पी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन वन हो, या आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो अब ये वाली चीज़ येस कन्वर्जेंस है, और जो ये वाला फंक्शन है इससे लेस देन है। तो अब बस हमने इजीली शो कर दिया, अब हमारा वाई स्ट्रेस एम टेस्ट कहता है, हमारा एम टेस्ट डोमिनेटेड टेस्ट ये कहता है कि हमारी जो ये ओरिजिनल सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। सेम यही काम इसके लिए होल्ड करेगा, ये बात यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है, सेम यही काम ये देखो ये बुक में यह सारा कुछ बताया हुआ है। ये देखो ये दो एग्जांपल्स उन्होंने बताई हुई हैं, कहाँ ये एक एग्जांपल हमारे पास, ओए कहाँ गई एग्जांपल्स, कहाँ गई हमारे पास, ये देखो ये दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स के बारे में, दोनों के एग्जांपल के बारे में कह दिया कि यस ये दोनों एग्जांपल हमारी लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन वन ओवर एन है, वन ओवर इसके बारे में बता देती हूँ आपको, पता है साइन सीरीज लेस देन होती है वन से, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेस देन वन होगी, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, वन ओवर एन स्क्वायर, यस ये भी हमारे पास निकल आया। तो ये दोनों सीरीज हैं वन ओवर एम स्क्वायर, और इसके बारे में अभी बता दें कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। तो वाई स्ट्रेस यही कहता है कि दोनों टेस्ट जो है वो कन्वर्ज करेंगी। सेम अब ये वाली एग्जाम्पल आप लोग खुद देख लीजिएगा, और ये डोमिनेटेड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ, ये हमारे पास सीरीज़ है, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है, ये हमारे पास फंक्शन है ओवर द सेट एस, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो द सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो है इज़ सेट टू बी डोमिनेटेड बाय दिस, मतलब अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, और अगर ये हमारे पास कन्वर्ज कर गई तो ये जो नीचे वाली सीरीज़ है वो भी 100% कन्वर्ज करेगी। फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कि जो ये वाली सीरीज़ है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है डोमिनेटेड बाय दिस सीरीज़। अच्छा, और ये इसकी एग्जांपल हमारे पास नीचे गिवन है, जो कि मैंने ऊपर अभी आप लोगों को करवा भी दिया है कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो इस सीरीज़ से लेस देन होता है। तो बस चलें ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।